नमस्कार, गुड मॉर्निंग राम। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, अभी हमने आपको बताया था पहले डे बाय डे डायरी लगातार हम आपके लिए कंटिन्यू क्लास डालते रहेंगे और आज हम इतिहास शुरू करेंगे भारत का। इतिहास देखिए दोस्तों, इतिहास होता क्या है? इतिहास का मतलब है जो घटनाएं घट चुकी है, जो घटनाएं पहले बीत चुकी है, जो समय बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास। क्या बोलते हैं उसे? इतिहास। और इतिहास के जो पिता हैं वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। देखिए दोस्तों, हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पिता, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। क्लियर है? इसके बाद देखिए 1870 में एक बुक प्रकाशित हुई थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए दोस्तों, 1870 में एक बुक प्रकाशित हुई थी, कौन सी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसके अनुसार हमारे इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत, पहला क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। देखिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को बोलेंगे एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। इस बुक के जो राइटर थे वो थे जेम्स मिल्स। कौन थे? जेम्स मिल्स। इन्होंने भारत के काल को एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत को 1500 बीसी से लेकर 712 एडी तक माना। कब से कब तक माना था? 1500 बीसी से 712 एडी तक प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया। मध्यकालीन भारत 712 एडी से 712 एडी से 1857 एडी तक, 712 एडी से 1857 एडी तक क्या माना गया है? मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडिया। आधुनिक भारत 1857 से 1947 तक क्या माना गया है? मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। देखिए दोस्तों, इस काल के दौरान 1520 से 712 एडी तक हिंदू राजाओं का राज रहा है, हिंदू राजाओं का शासन रहा है, इसलिए इस काल को बोला गया है हिंदू साम्राज्य। हिंदू साम्राज्य। देखिए 712 से 1857 के बीच मुस्लिमों का भारत पर आधिपत्य रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है मुस्लिम साम्राज्य। और यहां पर हमारे ऊपर अधिकार जो रहा है, भारत पर आधिपत्य जो रहा है वो रहा है अंग्रेजों का, इसलिए इसको बोला जाता है ब्रिटिश साम्राज्य। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य। देखिए दोस्तों, इतिहास को हम कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है हर टीचर क्या करता है, मेडिवल को उठा लेता है, क्यों? इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत अपने आप जुड़ जाएगा हर तथ्य के बाद। इस तरह पढ़ने में भी मजा आएगा।
ऐसा नहीं करेंगे कि मध्यकालीन पहले तो बाद या फिर प्राचीनकालीन फिर आधुनिक, नहीं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, पहले एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और उसके बाद सॉरी मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। देखिए जेम्स मिल के अनुसार हमारा इतिहास 1500 बीसी तक का था, कहां तक था 1500 बीसी तक, लेकिन पहली बार 1856 में, कब 1856 ब्रंटस बंद, ब्रंटस बंद होने पहली बार खुदाई की थी, क्या की थी पहली बार खुदाई की थी। उसके बाद 1920 में, कब 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनाए गए सर जॉन मार्शल। किसको बनाया गया? सर जॉन मार्शल को। क्लियर है दोस्तों? 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यरत कौन हुए? सर जॉन मार्शल, जिन्होंने 1921 में दयाराम साहनी को, किसको? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, क्या है पूरा नाम? राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को पाकिस्तान में हुई खुदाई के पास भेजा गया और वहां से इन्होंने एक नगर की खोज की, हड़प्पा। किस नगर की खोज की? हड़प्पा नगर। किस नगर की खोज की दोस्तों? हड़प्पा नगर की। किसने की? दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी, कब की? 1920। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी को भेजा गया, राखलदास बनर्जी, जिन्होंने एक और नगर की खोज की, मोहन जोदड़ो। एक और नगर की खोज कौन से की दोस्तों? मोहन जोदड़ो। क्लियर है दोस्तों? देखिए पहली बार 1854 में ब्रंटस बंधुओं ने खुदाई का कार्य शुरू किया। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में पद इन्होंने संभाला, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को पाकिस्तान भेजा और वहां से उन्होंने एक शहर की खोज की, एक नगर की खोज की, हड़प्पा। किसकी खोज की? हड़प्पा। 1922 में राखलदास बनर्जी को भेजा गया, जिन्होंने एक और नगर की खोज की, कौन सा था? मोहन जोदड़ो। देखिए दोस्तों इतिहास के जनक या इतिहास के पिता किसे माना गया है? हेरोडोटस। 1817 में प्रकाशित हुई थी एक बुक, एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेखक कौन थे उसके? जेम्स मिल्स। क्लियर है? जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, जिसके अनुसार भारतीय इतिहास को तीन भागों में तोड़ा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 1520 से 712 AD तक का जो काल था वो था प्राचीन भारत का, 712 AD से 1857 तक का जो काल था वो था मध्यकालीन भारत का, और 1857 से 1947 का काल था आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में किसका आधिपत्य रहा? हिंदू शासकों का रहा, इसलिए बोला गया है हिंदू साम्राज्य। मध्यकालीन भारत में किसका आधिपत्य रहा? मुस्लिम शासकों का, इसलिए उसको बोला गया है मुस्लिम साम्राज्य।
आधुनिक भारत में किसका आधिपत्य रहा? अंग्रेजों का, इसलिए उसको बोला गया है ब्रिटिश साम्राज्य। देखिए अब हमारा इतिहास आगे बढ़ने वाला था, मतलब और प्राचीन होने वाला था, क्योंकि यहां पर हमें दो नगरों की प्राप्ति हुई है। एक नगर है हड़प्पा और दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब आगे देखिए, देखिए दोस्तों 1921 में, 1921 में एक नगर की खोज हुई थी हड़प्पा की। कौन से नगर की? हड़प्पा नगर की। 1922 में एक और नगर की खोज हुई मोहनजोदड़ो। दो नगरों की खोज हो चुकी है 1921 में हड़प्पा महानगर और 1922 में मोहनजोदड़ो। इन दोनों दोनों नगरों की खोज करने वाले व्यक्तियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हड़प्पा की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। फिर कार्बन 14, यानी कि कार्बन 14 से पता चला कि जो वस्तुएं, जो साक्ष्य वहां से मिले हैं वो कब के हैं? 2500 BC तक के, 2500 BC तक के, जिसके अनुसार हमारा इतिहास 1500 BC से और गहरा हो, यानी कि 1500 BC से और पुराना होकर कहां तक चला गया? 1500 BC तक। कहां तक चला गया दोस्तों? 2500 BC। अब एक चीज आप समझिएगा, बीसी और एडी, क्योंकि बार बार हमने यूज किया है 2500 BC से 712 AD, वो है क्या चीज? देखिए मैथ के अंदर हमने जीरो लाइन लिखा है, मैथ के अंदर जीरो होती है, जीरो से इस तरफ -1 -2 -3 इस तरह चलता है, और इस तरफ देखते हैं 1 2 3, मतलब उस तरफ जाते रहेंगे तो संख्या बढ़ती रहेगी, इस तरफ जाएंगे तो संख्या घटती रहेगी। इसी तरह यहां से है हमारा इतिहास चला है 2500 BC से। कहां से चला है? 2500 BC से। और यहां पर सीधा क्या जाता है? यहां पर ईसा का जन्म माना जाता है, यानी कि बोर्न ऑफ क्रिस्ट। यहां पर किसका वर्ष माना जाता है? क्रिस्ट का जन्म, यानी कि बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट। क्या है दोस्तों? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। इसको क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। जो इस तरफ जाएंगे हम, इसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी, यानी कि एनो डोमिनी। क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एनो डोमिनी। इनके लिए हम एक और कॉमन शब्द यूज करते हैं BCE और CE। BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोलते हैं कॉमन एरा। क्लियर है दोस्तों? एक को बोलते हैं हम बिफोर कॉमन एरा, एक को बोलते हैं हम कॉमन एरा, यानी कि बिफोर क्रिस्ट यानी कि BC, AD यानी कि ईसवी यानी कि एनो। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा जो BC और AD का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। अब आपको इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि BC और AD है क्या चीज। क्लियर है दोस्तों? देखिए अब हमें पता चला कि भी हमारा इतिहास कहां तक चला गया है, 2500 BC तक। तो अब हमें इस बात का पता होना चाहिए 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की और
1922 में मोहन डोगरी और आपके लिए क्वेश्चन था कि किसने किया। C14 से हमें पता चला हमारा इतिहास जो साक्ष्य मिले हैं वो 2520 तक के हैं। तो यहां से 1924 में कब 1924 में सर जॉन मार्शल, किसने, सर जॉन मार्शल ने एक घोषणा, क्या घोषणा की वो सुनी 1924 में सर जॉन मार्शल ने एक घोषणा की कि हमने एक नई सभ्यता का खोज की है, एक नई सभ्यता की खोज की है, वो सभ्यता सिंधु नदी के गिर्द थी। जितने भी उसके बिंदु थे खुदाई चले वो सिंधु नदी के किनारे चली थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु सभ्यता। क्या नाम रखा गया दोस्तों, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई 1924 में, हड़प्पा की खोज कब हुई 1921 में, और 1922 में किसकी खोज हुई, मोहन जोदड़ो। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए एक नई सभ्यता की खोज हुई सिंधु सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 2520 से 1500। अब इतिहास से पहले की घटना हमें प्राप्त हो गई, मतलब इतिहास कहां तक था, 1520 तक। अब इतिहास से पहले की एक बात मिल गई हमें, तो उसको बोलेंगे परो ऐतिहासिक, परो ऐतिहासिक। क्या है दोस्तों, परो ऐतिहासिक का, इसे क्या बोलेंगे, परो ऐतिहासिक का। क्लियर है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, परो ऐतिहासिक। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया था कांसा किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, कांस्य युग। क्या बोला गया, कांस्य युग। क्या बोला गया दोस्तों इसको, कांस्य युग। नाम क्या क्या है इसके, सिंधु सभ्यता, कांस्य युग, परो ऐतिहासिक। पहला नगर क्या खोजा गया था, हड़प्पा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता। इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। देखिए दोस्तों 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो, 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज की, मतलब उन्होंने घोषणा की कि भी हमने एक सभ्यता की खोज की है, जो कौन सी सभ्यता के नाम से है, सिंधु सभ्यता के नाम से, जिसको क्या बोला जाता है, कांस्य युग। क्या बोला जाता है, वक्त में प्रो ऐतिहासिक का। क्या बोला जाता है, उसको हड़प्पा सभ्यता। और काल क्या है इसका, 2520 से 1520 तक। तो अब देखिए आज हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं हम सिंधु सभ्यता। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, 1924 कब हुई, 1924 किसने, सर जॉन मार्शल। अब देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में जो पहले तथ्य है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता है दोस्तों, नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। इनके मकान पक्के थे, क्या थे, मकान पक्के थे। मकान कैसे थे, पक्के थे। इनकी जो इनके सबसे बड़ा बिल्डिंग था, यानी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो थी धनागार। धनागार या फिर इसी को बोलते हैं अन्नागार, अन्नागार। क्या बोलते हैं, अन्नागार। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है अन्नागार या फिर धनागार, यानी कि धान्य। धनागार का मतलब है कोठार, क्या है, कोठार।
यानी कि अनाज का भंडार। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है स्नानागार। क्या है? स्नानागार यानी कि स्नान घर बाथरूम। ठीक है, कैसी सभ्यता है दोस्तों? नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, मकान पक्के, धनागार यानी कि अनागार की, अनागार की प्राप्ति हुई है, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो इस सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार से हमें क्या पता चलता है कि वो लोग बड़े समझदार थे, उन्हें पर्दा पका था कि भी किस समय पे पर्दा होना चाहिए। मतलब क्या है? स्नान। इनका समाज महिला प्रधान था। कैसा समाज था? महिला प्रधान यानी कि मातृ प्रधान समाज था दोस्तों। कैसा समाज था? मातृ प्रधान समाज। इसके बाद देखिए, एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका साक्ष्य कहां से मिला? कैसे मिला इसका साक्ष्य? साक्ष्य मिला है इसका, एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी नर्तकी की जो कांसे की बनी है, इस धातु की बनी हुई मित्रों, कांसे की, जो किस चीज की बनी है? कांसे की बनी हुई है, जिससे हमें पता चला है कि इनका समाज कैसा है, मातृप्रधान। देखिए, जो सिंधु सभ्यता का मतलब चित्र है, जैसे उसका स्थान है, वो कैसे है? देखिए, यहां पर है बलूचिस्तान में, यहां कौन है? बलूचिस्तान, जो इसका बिंदु है। जम्मू कश्मीर में है माडा। क्या है? माडा है माडा। महाराष्ट्र में है दैनाबाद। क्या है? दैनाबाद। यूपी में है आलमगीर। यूपी में क्या है? आलमगीर। यहां राजस्थान में जो मिला है, कालीबंगा। कालीबंगा यहां जो हरियाणा में मिले हैं, राखी गढ़ी। कहां मिले हैं? राखी गढ़ी। यहां गुजरात में एक बंदरगाह मिले हैं, लोथल। कौन से बंदरगाह दोस्तों? आप देख सकते हैं इसके अधिकतर जो भाग है वो भारत के अंदर पाए। कहां खोजे गए? भारत के अंदर। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की बनती है। कैसी आकार की बनती है वो आकृति? इसकी त्रिभुजाकार। तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है। देखिए, उत्तर में माडा, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में आलमगीर और दक्षिण में दैनाबाद। देखिए दोस्तों, दैनाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। दैनाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। इसके बाद देखिए, बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। इसके बाद नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे हम माडा, जम्मू कश्मीर कहाँ है? जे एंड के। क्लियर है दोस्तों? आलमगीर कहाँ है? यूपी में। इस तरफ इधर लिखना नीचे, आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? यूपी। क्लियर है दोस्तों? दैनाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। आलमगीर कहाँ है? यूपी में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। माडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बलूचिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो मिले हैं नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्लियर है दोस्तों? ये कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता है। मकान पक्के थे। इनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग जो पाई गई वो अनागा। इसका मतलब है वो सब चीजों में धन संपन्न थे। देखिए दोस्तों, जैसे तिजोरी किसके पास होती है? तिजोरी होगी उस व्यक्ति के पास जिसके पास क्या हुआ? पैसा। जिसके पास पैसा ही नहीं, तिजोरी का काम क्या? यानी कि इनके पास अनाज के क्या थे? भंडार थे। इसलिए इनके पास क्या थे? अनागा। क्या थे इनके पास? अन्नागा यानी कि पढ़ा। स्नानागा यानी कि ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो कितने सभ्य लोग थे,
वो कितने सभ्य होते। महिला प्रधान समाज था यानी कि मातृ प्रधान समाज था, यानी कि ये साक्ष्य कहां से मिला है, नर्तकी की एक मूर्ति मिली है जो किससे बनी मिली, कांसे से, और जो मिली कहां है, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हमें, अन्नागार, स्नानागार और नर्तकी की कांसे की बनी मूर्ति, ये सब कहां से मिले हमें, मोहनजोदड़ो से। और इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, सिंधु सभ्यता फुल डिटेल के अंदर देखेंगे हम। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए, आप फोकस रखिए सिर्फ जीके के ऊपर। किसके ऊपर रखेंगे, जीके के ऊपर, क्योंकि आपको पता है 25 जो क्वेश्चन है वो किसके आने हैं, हरियाणा जीके, हरियाणा जीके के अलग से क्वेश्चन अगर देखे जाए, और 35 क्वेश्चन किसके आने हैं, नेशनल जीके, किसके आने हैं, नेशनल जीके। और एक जीके हमारा ऐसा सॉलिड पक्ष है जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो आप जीके को इजीली से, ज्यादा टेंशन उठाने की जरूरत नहीं, इजीली हो जाएगा, बस आप कंटिन्यू लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप उससे आधी मेहनत में अपना सिलेक्शन ले जाओ।